भारत जल्द ही करने वाला है सबसे बड़ा धमाका। सामने आने वाले हैं भारत के 3 सीक्रेट हथियार, जिनकी काट और तकनीक भारत को छोड़ किसी के पास नहीं। चीन छोड़ो, इनको लेकर अमेरिका तक सोच भी नहीं पा रहा। इन हथियारों की तकनीक पाने को तरस रहे हैं दुनिया के सभी देश। दोस्तों, एक समय था जब भारत सैन्य और हथियारों की तकनीक के मामले में काफी पीछे था। भारत में ना तो हथियार बनते थे, ना उनके पार्ट और ना ही किसी प्रकार की असेंबलिंग। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार के आते ही 2 इनिशिएटिव लागू किए गए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी का सपना है कि भारत में बने हथियार दुनिया के ताकतवर देशों में पहुंचे। आज भारत उस मुकाम को हासिल कर चुका है। भारत के बने हथियार पाने के लिए आज दुनिया तरस रही है। तेजस को ही देख लीजिए, जिसके लिए अमेरिका भारत को कितने निवेदन कर चुका है कि ये फाइटर जेट पहले उसे मिले। आप हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले लीजिए, जिनको लेकर पेंटागन ने चिंता जाहिर की थी कि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका से भी आगे निकल रहा है। वहीं स्पेस जगत में आप भारत की उड़ान देख ही रहे हैं, यानी कि भारत आज विश्व की प्रमुख महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, ये तो हो गए हथियारों की बात, जिनको भारत ओपनली टेस्ट करता है और जानकारी भी देता है। लेकिन भारत के पास ऐसे भी हथियार हैं जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई सोच भी नहीं सकता, जिन्हें रोकना किसी एक देश की बस की बात नहीं। खुद अमेरिका भी इस मामले में भारत से पीछे है। इन हथियारों की बदौलत भारत किसी भी देश को नक्शे से साफ कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इन्हीं सुपर सीक्रेट वेपन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, K5 एंड K6 SLBM मिसाइल। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर लेंगे के सीरीज की K5 और K6 मिसाइल को, जो कि भारत की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार हैं। इनकी ताकत, रेंज और तकनीक एक्चुअल में कितनी है किसी को नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली जो जानकारी दी गई बस वही सबके सामने आ पाई। चीन खुद इन मिसाइलों को लेकर अपने डर को बता चुका है। इन मिसाइलों में काफी ज्यादा ताकत है और ये कुछ ही मिनटों में किसी भी देश को साफ कर सकती है। तभी तो भारत इनके टेस्ट को ज्यादा ओपन नहीं करता, क्योंकि इससे भारत की नकारात्मक छवि बन सकती है, क्योंकि ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में जाहिर है कि इस मिसाइल की शक्ति को देखकर कई सारे देश डरेंगे और घबरा जाएंगे। लेकिन हम K5 SLBM मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को सबमरीन के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, जो अपने साथ 2000 किलोग्राम के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल होगा, जो कि एक बार में दुश्मन के 10 शहरों पर हमला करने में सक्षम होगा। वहीं K6 मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल 3 स्टेज की सॉलिड फ्यूल वाली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, यानी कि MRV होगी। इसमें 2 से 3 टन वजनी वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 6 से 8 हजार किलोमीटर या इससे ज्यादा भी हो सकती है। भारत सीक्रेटली इसका टेस्ट कर रहा है। वहीं दोस्तों, अगर भारत इस मिसाइल से हमला कर देता है और दुश्मन अपने डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को मारकर गिरा भी देता है, तब भी ये मिसाइल दुश्मन के 5 शहरों को निशाना बना सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों इस मिसाइल को अब तक की सबसे घातक मिसाइल कहा जाता है। नंबर 2, भारत के इतिहास का सबसे भयानक योद्धा विंगमैन ड्रोन। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक इस हथियार को बनाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात मेहनत में लगे हुए थे। अब जल्द ही इसका टेस्ट हो सकता है। अगर भारत इस हथियार को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारतीय सैन्य इतिहास में क्रांति ला देगा, क्योंकि भारत अगर इसमें सफल हो गया तब भारत अपने लड़ाकू विमानों की जगह इस हथियार को शामिल कर लेगा, जो कि काफी ज्यादा किफायती और घातक होंगे। दोस्तों, विमानों के रखरखाव पर इतना ज्यादा खर्च हो जाता है कि उतनी कीमत उनकी खुद की नहीं होती जितना खर्चा रखरखाव में आता है। लेकिन भारत में आने वाला ये हथियार, जिसका नाम विंगमैन है, वो काफी किफायती और घातक होगा। विंगमैन वैसे तो एक ड्रोन होगा, लेकिन ये लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरेगा। युद्ध के समय एक लड़ाकू विमान के साथ 8 से 10 विंगमैन होंगे, जो किसी भी लड़ाकू विमान से कम घातक नहीं होंगे। विंगमैन एक लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन पर हमला करने की काबिलियत रखेगा, साथ ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल अटैक करने की काबिलियत से भी लैस होगा। विंगमैन को लड़ाकू विमान में बैठा पायलट कंट्रोल कर सकेगा, जो विंगमैन को आदेश दे सकेगा कि कब किस इलाके में किस जगह पर हमला करना है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे रडार द्वारा दुश्मन कभी नहीं पकड़ पाएगा। युद्ध के समय इस हथियार को बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है, और इस हथियार पर अभी सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका ही काम कर रहे हैं।
जल्दी भारत इसका पहला टेस्ट भी पूरा कर लेगा। नंबर 3, भारत का सबसे अमोघ काली हथियार। दोस्तों, काली के बारे में आपने खूब सुना होगा, हम इसको लेकर बहुत सी वीडियो भी बना चुके हैं। भारत का ये सबसे सीक्रेट और खतरनाक हथियार है। अब भारत इस हथियार के कई वेरिएंट्स बना चुका है। भारत के इस हथियार को बनाने का काम 30 सालों से चल रहा है। 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आर चिदम्बरम ने इसे बनाने की योजना बनाई। बहुत सारी प्लानिंग के बाद इसका काम 1989 में शुरू हुआ, जिसके बाद इसके बहुत सारे मॉडल बनाए गए। इसका सबसे पहला वेरिएंट था काली 1000 और अब इसके वेरिएंट काली 10000 तक जा पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, काली 10000 के बाद इसके किस वेरिएंट पर काम चल रहा है ये कोई नहीं जानता। इसे कहां पर बनाया जा रहा है, कहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये 1 सेकंड से भी कम समय में इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को छोड़ती है कि कोई भी हथियार, चाहे वो किसी भी देश का हो या कोई भी हथियार हो, वो जलकर राख हो जाएगा। यहाँ तक कि ये हिम पर्वतों को भी पिघलाकर सुनामी ला सकता है। इस हथियार की तकनीक को पाने के लिए खुद अमेरिकी वैज्ञानिक तरस रहे हैं, लेकिन भारत अपने इन हथियारों की तकनीक किसी से भी शेयर नहीं करता। इसलिए दोस्तों, भारत के इन हथियारों का सामना करना किसी भी देश के बस की बात नहीं। इसलिए गर्व करिए इस बात पर कि आप भारत में पैदा हुए और ऐसे हथियारों से सुरक्षित हैं। वेल दोस्तों, आपको इन तीनों हथियारों में से सबसे दमदार कौन सा हथियार लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही भारतीय तकनीक से बने इन हथियारों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।